Now the definition of water pollution. Water pollution is a contamination of water bodies. Water pollution हम किसे कहते हैं कि पानी का खराब हो जाना. Due to human beings and due to agriculture, due to the domestic waste, due to industrial waste. Number one is the industrial effluents. Students, now question arises, what is industrial effluents? Industries हम किसे कहते हैं? Industries जैसे for suppose cloth. Leather, plastic items, rubbers, and there is so many industries are present in Pakistan. Unfortunately, industries discharge their waste like chemicals and solid materials into water channels. When industries discharge their waste into water channels, then what happens? Then the water will be polluted. ये वाटर आप लेक्स हैं, ओशियंस हैं, रिवर्स हैं, वहाँ पर ही जब इंडस्ट्रीज का वेस्ट जाता है तो वो सारा पानी खराब हो जाता है. नंबर वन पॉइंट इज डिटेरियोरेट द क्वालिटी ऑफ वाटर. ये पानी की क्वालिटी को ख़राब कर देगा. इट रिड्यूस ऑक्सीजन. ऑक्सीजन रिड्यूस मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी कहाँ पर? एक्वेटिक लाइफ में. वहाँ पर फंगस और अल्गा जो है आउटसाइड द वाटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ऑक्सीजन की कमी की वजह से फिशेस जो हैं और एक्वेटिक लाइफ विल बी डैमेज और द डेथ विल बी पॉसिबल. ग्राउंड वाटर, आपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि बेड्स हम कहते हैं अर्थ की लेयर्स को, वहाँ पर ये पानी जाता है एंड इट विल बी कंटेमिनेटेड. और जब ये पानी, जब ये वाटर ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं तो डिजीज हो जाती है कैंसर एंड गैस्ट्रो इन ह्यूमन बींग्स. हैवी मेटल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स लाइक कैडमियम, लेड एंड मर्करी. कैडमियम की वजह से क्या हो जाता है? हाई ब्लड प्रेशर, किडनी डैमेज हो जाएगा. लेड की वजह से किडनी, लिवर और ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम विल बी डिफेक्टेड. एंड ड्यू टू मर्करी न्यूरोलॉजिकल डैमेज विल बी पॉसिबल. ऑल दीज आर द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड ऑल्सो दिस इज योर होमवर्क टू राइट डाउन दीज पॉइंट्स इन योर ओन वर्ड्स एंड लर्न बाई हर्ट. नाउ द सेकेंड टॉपिक इज द डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स. डोमेस्टिक एफ्लुएंट हम किसे कहते हैं? As you know that in domestic level we use here soap and detergent, but they have a major disadvantage over the soap as some of the detergents are non-biodegradable, not decomposed by bacteria. But sometimes अपने घरों में soap भी use करते हैं और detergent भी use करते हैं, लेकिन जो detergent use होता है वो work करता है acidic solution में. Some detergents are non-biodegradable and it will not decompose by bacteria. कुछ bacteria हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे soap को क्या कर देते हैं, absorb कर लेते हैं, लेकिन detergents को वो absorb नहीं कर पाते, जिस वजह से हमारा जो पानी है वो क्या हो जाता है, वो disinfectant हो जाता है और वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता. Detergents के अंदर क्या चीज़ present होती है? Phosphate. फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन अ डिटर्जेंट और वो क्या करता है, वो किसे प्रोमोट करता है? वो अल्गा की ग्रोथ को प्रोमोट करता है. फॉर सपोज दिस इज़ द वाटर, वाटर के ऊपर ये अल्गा की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इसकी वजह से ऑक्सीजन या सनलाइट या कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं पहुँचेगी और जो एक्वेटिक लाइफ है इट विल बी डैमेज. नाउ द थर्ड वन इज़ द एग्रीकल्चर एफ्लुएंट. एग्रीकल्चर में हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं कि फॉर सपोज हमारी क्रॉप्स और डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनमें हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स, डिफरेंट खाद वगैरह यूज़ करते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि डेफिशिएंसी हो जाती है किसकी? नाइट्रोजन की और फॉस्फोरस की. ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस वी फेस द डेफिशिएंसी ऑफ क्रॉप्स एंड सो ऑन. बट हेयर द वर्ड पेस्टिसाइड्स. पेस्टिसाइड्स किल द इंसेक्ट्स, फंजाई एंड वायरस. इट डैमेज द क्रॉप एंड ट्रांसमिट डिजीज टू ह्यूमन बींग्स. ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, इट डैमेज द क्रॉप, कौन क्रॉप्स को डैमेज करता है? इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया और वायरसेस. ये तमाम इनको हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं. इन पेस्टिसाइड से केमिकल के जरिए हम इन तमाम को ख़त्म कर देते हैं. इनका खात्मा बहुत ज़रूरी है. अगर इनको हम ख़त्म नहीं करेंगे क्रॉप्स के ऊपर से तो ये किस चीज़ को डैमेज कर देंगे? ये करेंगे क्रॉप्स को डैमेज कर देंगे. और वो क्रॉप्स अगर डैमेज हो गई तो वो किसे डिजीज़ ट्रांसमिट करेंगी? ह्यूमन बींग्स में.
मतलब हम लोगों के अंदर वो डिजीज़ को ट्रांसफ़र कर सकती है, कोई भी वो डिजीज़ हो सकती है। ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न बाय हर्ट एंड राइट डाउन ऑन योर नीड कॉपीज। थैंक यू। लिवर और ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम विल बी डिफेक्टेड एंड ड्यू टू मर्करी न्यूरोलॉजिकल डैमेज विल बी पॉसिबल। All these are the industrial effects, and also this is your homework to write down these points in your own words and learn by heart. Now the second topic is the domestic effluent. Domestic effluent हम किसे कहते हैं? As you know that in domestic level we use here soap and detergent, but they have a major disadvantage over the soap as some of the detergents are non-biodegradable, not decomposed by bacteria. बट समटाइम अपने घरों में सोप भी यूज़ करते हैं और डिटर्जेंट भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो डिटर्जेंट यूज़ होता है वो वर्क करता है एसिडिक सॉल्यूशन में। सम डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड इट विल बी नॉट डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे सोप को क्या कर देते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन डिटर्जेंट्स को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जिस वजह से हमारा जो पानी है वो क्या हो जाता है, वो डिसइंफेक्टेंट हो जाता है और वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। डिटर्जेंट्स के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? फॉस्फेट। फॉस्फेट इज़ प्रेजेंट इन अ डिटर्जेंट और वो क्या करता है, वो किसे प्रोमोट करता है, वो अल्गा की ग्रोथ को प्रोमोट करता है। फॉर सपोज दिस इज़ द वाटर, वाटर के ऊपर ये अल्गा की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इसकी वजह से ऑक्सीजन या सनलाइट या कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं पहुँचेगी और जो एक्वेटिक लाइफ है इट विल बी डैमेज। नाउ द थर्ड वन इज़ द एग्रीकल्चर एफ्लुएंट। एग्रीकल्चर में हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं कि फॉर सपोज हमारी क्रॉप्स और डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनमें हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स, डिफरेंट खाद वगैरह यूज़ करते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि डेफिशिएंसी हो जाती है किसकी, नाइट्रोजन की और फॉस्फोरस की। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस वी फेस द डेफिशिएंसी ऑफ क्रॉप्स एंड सो ऑन। बट हेयर द वर्ड पेस्टिसाइड्स, pesticides kill the insects, fungi and viruses. It damage the crop and transmit disease to human beings. ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, it damage the crop. कौन crops को damage करता है? Insects, bacteria और viruses. ये तमाम इनको हम pesticides कहते हैं। इन pesticides से chemical के ज़रिए हम इन तमाम को ख़त्म कर देते हैं। इनका खात्मा बहुत ज़रूरी है, अगर इनको हम ख़त्म नहीं करेंगे crops के ऊपर से तो ये किस चीज़ को damage कर देंगे, ये करेंगे क्रॉप्स को डैमेज कर देंगे और वो क्रॉप्स अगर डैमेज हो गई तो वो किसे डिजीज़ ट्रांसमिट करेंगी, ह्यूमन बींग्स में, मतलब हम लोगों के अंदर वो डिजीज़ को ट्रांसफ़र कर सकती है, कोई भी वो डिजीज़ हो सकती है। ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न बाय हर्ट एंड राइट डाउन ऑन योर नीड कॉपीज। थैंक यू।